साथ ही नमस्कार, आप सबको वेलकम है आपका अपना ही चैनल फिजियान में। जी हाँ, आप मेरे व्हाइट बोर्ड पर एक क्या देख रहे हैं, डायग्राम देख रहे हैं। ये एक सर्कल बना हुआ है और उसके बाहर क्या है, एक समकोण त्रिभुज बना हुआ है। कैसे समकोण है मैं बताऊंगा आपको। तो ये जो यहाँ पर जो लाल रंग से जो छायांकित मैंने कर दिया है, उसका हमें एरिया फाइंड करना है। चलिए दोस्तों, अगर आप इसको आंसर जान चुके होंगे तो आप वीडियो पॉज करके इसका कमेंट पर मुझे आंसर भेजिएगा। और हाँ, अगर इसका आंसर जानना चाहते हैं तो प्लीज वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। और हाँ, उससे पहले बनाने से पहले कि आप अगर हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल को टच कर दीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं इसका सोल्यूशन कैसे मिलेगा। तो यहाँ पर इसका जो एरिया में लाल रंग से छायांकित है, उसका एरिया में निकालना है। तो क्या करेंगे इसके लिए, जो पहले जो यहाँ पर जो एंगल बना हुआ है, ट्राइंगल बना हुआ है, जी हाँ, इसका हमें क्या निकालेंगे, एरिया, ठीक है। और उसमें हम क्या करेंगे, इतने को माइनस कर देंगे तो ये निकल जाएगा। लेकिन इतने को हम ये एरिया निकाल कर हम माइनस करेंगे पूरे जो त्रिभुज के क्षेत्रफल निकलेगा उसमें, तो हमें यहाँ जो यहाँ पर रेड कलर का है ना, वो एरिया निकल जाएगा। जी आप समझ गए होंगे। तो चलिए बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो है वृत्त की स्पर्श रेखा दिया गया है, ए बी की स्पर्श रेखा है, जी हाँ। और इसकी त्रिज्या कितनी है, 2 सेंटीमीटर। मतलब ओ से ए की दूरी को हम क्या कह देंगे, यहाँ से त्रिज्या होगी 2 सेंटीमीटर है। अब ध्यान दीजिएगा कि ए बी स्पर्श रेखा है, एक ही बिंदु पर यहाँ पर स्पर्श करेगा, तो जहां पर जो त्रिज्या होती है और स्पर्श रेखा मिलती है, वो परस्पर यहाँ पर कितने अंश कोण बनाती है, 90 अंश कोण बनाती है, जी हाँ। और ये जब समकोण हो गया तो जो बचे दो कोणों का योग कितना होगा, 90 डिग्री होगा। अब ये हमें 45 डिग्री 45 अंश दे दिया है, तो यहाँ पर जो कोण बनेगा, जी हाँ फ्रेंड्स, यहाँ पर जो कोण बनेगा कितने अंश का होगा, ये भी 45 अंश का ही होगा, जी हाँ, ठीक है। अब जब दो कोण आपस में बराबर हो गए तो उसके सामने वाले कोण भुजाएं भी क्या होती है, आपस में बराबर होती है। तो इस कोण का जो सम्मुख कोण है क्या, ये भुजा क्या है, सॉरी ये है ए बी, तो ये भुजा, ठीक है। और ये जो कोण बना हुआ है कोण बी पर, उसका सम्मुख भुजा क्या है, ए ओ ए, ये भुजा दोनों लेंथ में लंबाई में बराबर होगी, जी हाँ। तो चलिए अब हमारा सब चीज मिल चुका है। अब कैसे करेंगे, यहाँ पर जो की क्या लिखा है, क्या यहाँ पर है कि जो ए बी स्पर्श रेखा है ना, वह क्या है, लंबवत है। किस पर लंबवत है, ओ ए पर। या बोल दे कि ए बी लंबवत है, किसके ऊपर लंबवत है, ओ ए। इसी को और क्या बोल सकेंगे कि वो त्रिज्या होती है वह स्पर्श रेखा पर लंबवत होती है, जी हाँ, इस तरह से, ठीक है। चलिए अब यहाँ से हमें मिल गया क्या कि ओ से ए की दूरी कितनी है हमारी, ये हो गया हमारा 2 सेंटीमीटर है ना, इस तरह से। अब ओ से चूंकि यहाँ पर क्या हुआ, ये भुजा ये 45 अंश है, सम्मुख ये भी बन रहा है, और ये 45 अंश का है, मतलब ये दोनों आपस में भी क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। तो क्या निकले यहाँ से कि ओ से ए, ठीक है फ्रेंड्स, और ओ ए से बी, ये भी आपस में क्या होंगे, 2 सेंटीमीटर होंगे चित्र से, ठीक है। इसकी वजह क्या होगी मैंने बता दिया है। चलिए अब हम देखेंगे जो यहाँ पर जो राइट ट्राइंगल बन रहा है, 90 अंश बन रहा है, तो समकोण जो त्रिभुज बन रहा है यहाँ पर, क्या नाम है उसका, नाम बोलेंगे तो ओ ए बी, जी हाँ ओ ए बी, इसका जब क्षेत्रफल निकालेंगे, है ना, तो इसका जब क्षेत्रफल निकालेंगे तो सूत्र क्या हो जाता है हमारा, 1/2 आधार गुना ऊंचाई, इस तरह से, जी हाँ फ्रेंड्स, ये हो गया हमारा फार्मूला समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल का। अब देखिएगा ये जो पूरा जो है ना ओ ए बी, यहाँ तक का क्षेत्रफल निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारा, 1/2 हो जाएगा। आधार क्या बोल देंगे, चलो ए बी को आधार बोल देते हैं, ये ए बी हमारा आधार हो गया और ऊंचाई ओ से ए है हमारा, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए अब देखते हैं कि 1/2 ये हो गया, आधार ए बी है, जो यहाँ भी क्या है, दोनों भुजाएं बराबर हो रही है, तो ये भी क्या हो जाएगा हमारा, 2 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो ये मिल गया हमारा 2 सेंटीमीटर। ऊंचाई जो ओ से ए है, ये भी 2 सेंटीमीटर है। तो इस तरह से 2 × 1 = 2 घट गया यहाँ से, तो क्या आ गया हमारा, 2। और क्षेत्रफल किसका, त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल आ गया 2 वर्ग सेंटीमीटर, इस तरह से, ठीक है फ्रेंड्स। अब हमें क्या करना है, ये जो त्रिज्याखंड बनाना है यहाँ पर, ये जो बना है ए, यहाँ से लेकर यहाँ से आने तक का, उसका क्षेत्रफल निकालेंगे और इसमें माइनस कर देंगे, पूरे में हम माइनस करेंगे इतने बार इतने क्षेत्र के क्षेत्रफल को, जी हाँ। तो ये जो हमारा त्रिज्याखंड हो गया ना फ्रेंड्स, तो त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल हमें पता होता है कि जब त्रिज्या के रूप में कोई वृत्त का टुकड़ा निकलता है बाहर, तो त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल जो है उसका जो फार्मूला कहा जाता है यहाँ से, वो होता है हमारा जितना कहाँ पर केंद्र पर कोण बन रहा है, इस चाप इस त्रिज्याखंड द्वारा केंद्र पर कितने अंश कोण बन रहा है, 45 अंश का, वो थीटा कहलाता है, ठीक है फ्रेंड्स। और कितने अंश कोण वृत्त पर द्वारा केंद्र पर कितने अंश कोण बनते हैं, 360 अंश से भाग करेंगे, ठीक है। और निकालेंगे हमें क्षेत्रफल, यहाँ पर क्या कर देंगे, पाई आर स्क्वायर से गुणा कर देंगे, ठीक है फ्रेंड्स।
चलिए इसी फार्मूले का हम यहाँ पर उपयोग करेंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारा त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल, मान लो इंद्रिय वस्त्र क्षेत्रफल, ठीक है फ्रेंड। ये हो जाएगा हमारा यहाँ पर जो केंद्र पर अभिलंब कोण है हमारा 45 डिग्री है, ठीक। ये हो गया 360 अंश हो गया, और यहाँ पर पाई का मान, चलो पाई को पाई रख देते हैं, ठीक। ये हो गया आर का मान कितना गया, यहाँ से त्रिज्या है हमारा 2 सेंटीमीटर, 2 × 2 या 2 का वर्ग कर सकते हैं ऐसा, है ना। चलिए इसे काटेंगे तो ये हो जाएगा हमारा, एक बार हल लिख देते इसको, ये हो गया 45/360 अंश, और ये हो जाएगा पाई को पाई बोलेंगे यहाँ पर, ये हो जाएगा हमारा 2 × 2 = 4, 2 का वर्ग 4, ठीक। चलिए यहाँ से काटेंगे तो 5 × 45 हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा 5 × 7 = 35, और यहाँ पर 1 बचा तो हो गया कितना 5 × 2 = 10, 9 × 1 = 9 = 72, ठीक है। 4 × 1 = 4 और 4 × 2 = 8, तो क्या आया हमारा जो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल कितना आया, π/2 वर्ग सेंटीमीटर आया इस तरह से। अब चूंकि हमें क्या निकलना है, ये जो लाल कलर से एरिया है ना, लाल कलर का एरिया वही उसी का क्षेत्रफल निकालना है, तो पूरे क्षेत्रफल में, है ना। तो यहाँ से जाएगा तो क्या हो जाएगा यहाँ पर जो एरिया है हमें, है ना। चलिए तो यहाँ पर जो छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा जो हमने पूरा क्षेत्रफल निकाला था समकोण त्रिभुज का, तो ये हो जाएगा छायांकित भाग का क्षेत्रफल किसके बराबर होगा, जो हमने पूरा निकाला है, पूरा क्षेत्रफल क्या ओ ए बी का क्षेत्रफल, जी हाँ, ओ त्रिभुज या समकोण त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल, उसमें हम क्या करेंगे माइनस करेंगे, किसको माइनस करेंगे, जो हमने त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकाला है, यहाँ पर लिखते हैं त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, जी हाँ, इस तरह से ये हो गया, ठीक है फ्रेंड्स, क्षेत्रफल। चलिए माइनस करते ऊपर करता हूँ माइनस यहाँ पर, तो ये हो जाएगा हमारा, ये पूरा का क्षेत्रफल आया है 2 वर्ग 1 सेंटीमीटर, उसमें हम माइनस करेंगे इतने एरिया को, जी हाँ, इतना इसका कितना आया है π/2, इस तरह से π/2 आया है, तो ये रहा हमारा आंसर, ठीक है फ्रेंड्स। इतने ये है हमारा जो छायांकित भाग है ना, इसका एरिया निकल गया।